Hi guys, welcome to crazy clowns. So hope everyone is doing well. तो जैसा हमने पिछले वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि हम इस नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स की, तो आज हम उसके बारे में बात करते हैं. थोड़ा सा डिटेल देंगे आपको, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे. और अगर आपको ये लग रहा है कि ये क्या बात कर रहे हैं हम, इसका मतलब ये है कि आपने पहला वीडियो मिस किया है, इसके पहला वाला वीडियो मिस किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए. छोटा सा ही है, 10 मिनट्स का. Yes. जल्दी से देख के आप राइट साइड में आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं. वहाँ पे क्लिक करके आप हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो. यस. तो चलिए आज के वीडियो में हम अपने व्यूवर्स के लिए जो टॉपिक लेके आए हैं क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स, है ना, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं. तो बताइएगा ज़रा कि क्लाउड के कितने डिप्लॉयमेंट मॉडल्स होते हैं, और फिर हर किसी के बारे में थोड़ा जानेंगे कि क्या डिफरेंस होता है और क्या एडवांटेजेस हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, ये सब बारे में. तो पहले बात करते हैं क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या होता है. क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिप्लॉयमेंट मींस किसी चीज़ को आप कहीं पे आप प्लेस करते हो, ठीक है, और कैसे प्लेस करते हो वो डिपेंड करता है कि कौन सा मॉडल है, वो किस मॉडल में आपने क्लाउड को डिप्लॉय करके जो कंपनीज हैं वो अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को यूज़ करने को देती हैं. तो एक तो होता है पब्लिक क्लाउड, मीन्स आप जो नॉर्मल क्लाउड आप जो यूज़ करोगे, नॉर्मल मोस्टली सब जगह यूज़ होता है. सो पब्लिक क्लाउड में क्या होता है, मोस्टली जो जैसे Azure के कस्टमर्स हैं, AWS कस्टमर हैं, ज़्यादातर पब्लिक क्लाउड यूज़ करते हैं, ठीक है. तो नॉर्मली अगर आपको भी कोई फ्री सब्सक्रिप्शन आप यूज़ करते हो, फ्री अकाउंट बनाते हो, माइक्रोसॉफ्ट फॉर एग्जांपल Azure प्रमोट करता है कि फ्री अकाउंट बनाइए, आप $200 क्रेडिट मिलेगा आपको साल भर के लिए. तो जो आप वो बनाते हो अकाउंट और आप यूज़ करते हो, पब्लिक क्लाउड होता है. ओके. मोस्टली कंपनीज पब्लिक क्लाउड होते हैं. ओके. मोस्टली कंपनीज पब्लिक क्लाउड यूज़ करती हैं. सो बेसिकली दे आर एक्सेसिबल टू एवरीवन. हाँ, एक्सेसिबल ऐसे नहीं कि बिना विदाउट यूजर आईडी पासवर्ड के ऑथेंटिकेशन होगा, बट वो एक्सेसिबल टू एवरीवन. ओके. सेकेंड आता है प्राइवेट क्लाउड. प्राइवेट क्लाउड इज लाइक, इट इज़ प्राइवेट बट स्टिल इट्स क्लाउड. मीन्स दैट जैसे आज अगर मैं कस्टमर हूँ, मैं बोलता हूँ मुझे अपनी एप्लीकेशन क्लाउड पर डालनी है, बट देन मैं नहीं चाहता वो क्लाउड पब्लिक हो, वो सिर्फ मेरे ही लोग एक्सेस करें. इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि जो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मशीन्स हैं, वो भी मेरे यहाँ आए. आप सोचेंगे अरे ये तो ऑन प्रोमाइज की बात कर रहा है जो हमने पिछले वीडियो में बात किया था. नहीं, ऑन प्रोमाइज डिफरेंट होता है. ऑन प्रोमाइज होता है कि मेरे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये चीज़ तो कॉमन है ऑन प्रोमाइज और प्राइवेट में, बट ऑन प्रोमाइज में आप उसका मैनेजमेंट भी आप खुद ही करते हो. जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका मैनेजमेंट आप खुद करते हो पूरा. इस केस में, प्राइवेट क्लाउड केस में, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एवरीथिंग इज डन बाय द क्लाउड प्रोवाइडर विच इज Azure, AWS, GCP, लाइक दिस. तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उन क्लाइंट्स के, उन कंपनीज के ऑफिस में एक मशीन क्लाउड सेटअप करते हैं, छोटा सा मशीन्स रखते हैं, सब कुछ. उनका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेंटेनेंस, अपग्रेडेशन, एवरीथिंग, कूलिंग एंड एवरीथिंग, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस प्रोवाइडर की, मीन्स माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और गूगल. सो इन समरी अगर हम देखें तो मतलब प्राइवेट क्लाउड भी जो है ना, वो भी आपको जब यूज़ करोगे तो आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा कि भाई ये प्राइवेट है या पब्लिक है ना. yes. यूज़ करने में आपको कोई फर्क नहीं मिलेगा, हाई अवेलेबिलिटी है ना, हाई सिक्योरिटी, एवरीथिंग, आई मीन सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ. और प्राइवेट क्लाउड की एक बात ये भी खास है कि देखिए, आप क्लाउड यूज़ करते हो तो क्लाउड बहुत सारी सर्विसेज लेके आता है आउट ऑफ द बॉक्स. ये सिर्फ मशीन नहीं देता, क्लाउड सर्विस भी देता है. हमने जो बात किया था ना पैस सैस, तो सर्विसेज भी देता है, वो चीज़ भी क्लाउड प्रोवाइडर लेके आता है अपने पास. आपको नहीं बनाना है, ये फ़ायदा है, बट आपका बस ये कि आपकी एप्लीकेशन पब्लिक क्लाउड में नहीं जाती है. पब्लिक से इंटरेक्शन नहीं, पब्लिक नेटवर्क से कोई इंटरेक्शन नहीं, सिर्फ आपके आपके ऑफिस में फॉर एग्जांपल ला कर रख देंगे, सेटअप कर देंगे, आप यूज़ करिए, ये प्राइवेट क्लाउड हुआ. सो आपकी वॉल्स में रहेगी ना, फोर बाउंड्रीज के अंदर रहेगी आपकी. हाँ, ओके. थर्ड आता है हाइब्रिड. हाइब्रिड इज लाइक पब्लिक भी है, प्राइवेट भी है. सो एंड नॉट जस्ट पब्लिक प्राइवेट, हाँ यस यस, बोथ दीज टू. सो बेसिकली हाइब्रिड क्लाउड में आपका कुछ सेटअप आपका प्राइवेट पे रह सकता है, कुछ सेटअप आपका पब्लिक पे रह सकता है, और कुछ सेटअप आपका ऑन प्रोमाइज भी रह सकता है. इट्स अ हाइब्रिड सेटअप रादर. ओके. सो
अभी इसके बारे में बात करेंगे हम कि जब ये कि हम ओके क्या 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 एडवांटेज होते हैं, बट सो बेसिकली हाइब्रिड, इफ यू आर, इफ यू से इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट. यस, पब्लिक प्राइवेट एंड ऑन प्रीमिस आल्सो. ऑन प्रीमिस आल्सो, ऑन प्रीमिस आल्सो. यस, तो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट यूजर को एक कॉल लेना है या फिर कस्टमर को एक कॉल लेना है कि हमें कौन सा मॉडल चाहिए, राइट? यस यस. तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा ना एडवांटेजेस या लिमिटेशंस के बारे में बात कर लेते हैं, राइट? क्या है तो पब्लिक क्लाउड के बताना चाहेंगे कि क्या एडवांटेजेस हैं. पब्लिक क्लाउड का एडवांटेज है, एक तो वो इट्स इजीली अवेलेबल, उसका कॉस्ट सबके लिए सेम है. फॉर अ पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन एक सर्विस का कॉस्ट सबके लिए सेम है यूसेज के हिसाब से, ठीक है? तो और इट इज़ इजी टू स्पिन अप. आपको कुछ किसी को माइक्रोसॉफ्ट को फ़ोन नहीं करना है, अमेजोन को फ़ोन नहीं करना, आओ हमारे यहाँ सेटअप करो, ये सब नहीं करना है. okay. आपको सीधे सिर्फ एज्योर अकाउंट चाहिए, वहाँ पे क्रेडिट कार्ड लगाओगा सब्सक्रिप्शन में yeah. और उसके हिसाब से बिलिंग स्टार्ट हो जाएगी yeah. और आप उसमें फटाफट सर्विस बना के यूज़ करोगे, ठीक है? तो आपको इतना लोड नहीं है, इट्स क्विक क्विक एंड ईजी, राइट? यस. चलिए प्राइवेट क्लाउड के बारे में जानते हैं कि क्या इसके एडवांटेजेस हैं, है ना? हाँ, सो प्राइवेट क्लाउड का एडवांटेज ये है कि मेरा मतलब मोर सिक्योर एनवायरनमेंट में प्राइवेट क्लाउड यूज़ कराया जाता है. मतलब मेरे को पब्लिक इंटरनेट से कोई मतलब ही नहीं है. ओके, आई जस्ट वॉन्ट एवरी थिंग टू बी ऑन इन माई ऑफिस, इन माई बिल्डिंग, इधर ही सेटअप हो, इधर ही चले. तो रेस्ट ऑफ द इंटरनेट से पूरा कट ऑफ. सो बेसिकली अगर देखें तो इसका जो मेन मोटिव है प्राइवेट क्लाउड का, ये हाई सिक्योरिटी मुझे दिख रहा है कि हाईली सिक्योर एनवायरनमेंट में रहता है ना. बाकी सारी चीज़ें तो आपको पब्लिक क्लाउड जैसे मिल ही रही हैं, ऑफरिंग्स वगैरह ना, है ना? चलिए अब जानते हैं आपसे ये कि हाइब्रिड क्लाउड के क्या एडवांटेजेस हैं, है ना? हाइब्रिड क्लाउड में सी दोनों के एडवांटेज आप मिला लोगे तो हाइब्रिड क्लाउड मिल जाता है. बट देन ऐसा होता है कि आपका बहुत बड़ा प्रोडक्ट जब बनता है तो वो ज़रूरी नहीं है आपका पूरा प्रोडक्ट प्राइवेट क्लाउड ही चाहिए, उसको पूरा पूरा आपको पब्लिक क्लाउड ही चाहिए, नहीं, मिक्स हो सकता है. एक्चुअली इस क्वेश्चन का जवाब जो पहले दो हमने क्लाउड बात करें ना, पब्लिक प्राइवेट, उसके डिसएडवांटेजेस में है. तो हम उसके डिसएडवांटेज पे बात करेंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि हाइब्रिड क्लाउड में कैसा फ़ायदा होता है. ओके, क्योंकि एक का डिसएडवांटेज दूसरे का एडवांटेज है तो वहाँ यूज़ करोगे, राइट? तो इट्स लाइक एक दूसरे के डिसएडवांटेज में एक दूसरे को यूज़ करो, तब मिला के आप हाइब्रिड क्लाउड यूज़ करो. ओके, यस. तो चलिए ज़रा जानना चाहेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ पब्लिक क्लाउड. हाँ, तो डिसएडवांटेज क्या है कि या लिमिटेशंस क्या है, नॉट डिसएडवांटेजेस, कुछ लिमिटेशंस. यू चूज इन राइट वर्ड. सो लिमिटेशन क्या है कि पब्लिक क्लाउड का लिमिटेशन आज सच ऐसा नहीं है, बट देन जहाँ पे मेरे को ये चाहिए कि मेरी एप्लीकेशन ऐसा नहीं चाहता हूँ कि मैं माइक्रोसॉफ्ट के सेंटर्स पे चली जाए, बिकॉज जो पब्लिक क्लाउड है उसकी मशीन्स कहाँ हैं, वो सब गवर्न बाय माइक्रोसॉफ्ट है ना, या फिर अमेजोन है, उनके सेटअप में वो मशीन्स रखी हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं वहाँ पर, तो वो हमारे पास नहीं है. तो एक मेरे को फियर हमेशा रहेगा, एंड दोज मशीन्स आर नॉट गवर्न बाय अस, दे आर गवर्न बाय माइक्रोसॉफ्ट, एंड माइक्रोसॉफ्ट इज गवर्न बाय फॉर एग्जाम्पल US लॉज. वो एक बात है. तो आपका जब 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 प्राइवेट क्लाउड होता है तो एवरीथिंग इज ऑन इन योर बिल्डिंग. यस, इट इज इन योर बाउंड्रीज, ठीक है? वो सेटअप आपके पास है, आप पेमेंट कर रहे हो माइक्रोसॉफ्ट को, वो मेंटेनेंस कर रहा है, बट वो सेटअप आपके पास है, यू आर गवर्निंग दैट. तो दैट सो सिक्योरिटी उस लेवल की है. चलिए प्राइवेट क्लाउड के लिमिटेशंस की बात करते हैं. प्राइवेट क्लाउड का लिमिटेशन क्या है कि ये कॉस्टली सेटअप हो जाता है. ये कॉस्टली सेटअप है बिकॉज आप बोलते हो हमारे यहाँ ला के सेटअप करो तो कंपनी करती है. तो बहुत ही मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस और सिक्योर एप्लीकेशंस, डेटा सिक्योर एप्लीकेशन, सिक्योर एप्लीकेशंस लाइक सम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं या फिर किसी भी कंपनी के ऐसा कुछ पॉलिसीज होती हैं कि भाई GDPR रूल ऐसा है या फिर ऐसा लॉ है जिसको अवॉइड करना पड़ता है, राइट? उस टाइम पे प्राइवेट क्लाउड में जाने के अलावा और कोई ऑप्शन बचता नहीं फिर. राइट राइट. तो बेसिकली उस केस में प्राइवेट क्लाउड यूज़ करते हो और आप क्या है वो सब चीज़ सिक्योर कर लेते हो. और आपको पता है कि सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉस्ट के मुकाबले. तो आप जब पता आपको वो इंपॉर्टेंट है तो आप उस कॉस्ट के ऊपर वो चूज़ करते हो. देन इट डजेंट मैटर इफ यू हैव टू पे मोर कॉस्ट ऑल्सो. एक कॉल है, कॉल कंपनी लेती है कि मेरे को प्राइवेट चाहिए पब्लिक चाहिए, इसलिए मैं बोला मोस्ट ऑफ द पीपल दे यूज पब्लिक क्लाउड. बिकॉज ऐसा नहीं पब्लिक क्लाउड में सेफ्टी नहीं है, डोंट गेट अस रॉन्ग, पब्लिक क्लाउड में अलग तरह की सेफ्टी है, बट वो स्टिल दैट इज नॉट विद अस, दैट सेटअप इज नॉट विद अस, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम लिमिटेशंस ऑफ द हाइब्रिड क्लाउड. हाइब्रिड क्लाउड कॉम्प्लेक्स हो जाता है. देखिए इट्स लाइक अभी आपने दो मॉडल मिला दिए तो उनके एडवांटेज तो आप देख रहे हो, बट साथ साथ उसके डिसएडवांटेज भी आते हैं, राइट? राइट. तो
एडिशनल कॉस्ट तो आएगी आएगी बिकॉज प्राइवेट क्लाउड है, पब्लिक क्लाउड है तो आपको पता है कि आप उसको गवर्न नहीं कर रहे हो, कोई और गवर्न कर रहा है ना। तो इट्स लाइक बोथ द साइड से आपके पास डिसएडवांटेज भी हैं एडवांटेज आते तो इन हाइब्रिड सेटअप। यस, सो आई थिंक वी आर एबल टू कवर मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच यू वॉन्टेड टू कन्वे फॉर अवर व्यूवर्स टूडे। ओके, सो लेट्स वाइंड अप दिस टॉपिक, विल नॉट यू नो स्ट्रेच दिस मोर। एंड सो आई थिंक वी हैव कवर्ड इनफ इन दिस वीडियो टू कन्वे अवर व्यूवर्स वॉट यू वॉन्टेड टू इन द यस क्लाउड डेवलपमेंट मॉडल्स। सो विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो फॉर टुमारो, एंड द टॉपिक विल बी वॉट यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट। टुमारो विल टॉक अबाउट मोर अबाउट क्लाउड नादर। हमने लास्ट वीडियो में बात किया था IaaS, PaaS, SaaS, तो हम कुछ सर्विसेज बताएंगे उसमें क्या IaaS में आती हैं, क्या PaaS में आती है, क्या SaaS में आती हैं, ओके, एंड हाउ हम उसको इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं कि ये इसी कैटेगरी में आती है, उस पर बात करेंगे हम। ओके, ऑल अबाउट, ऑल राइट। सो गाइज, इफ यू लाइक अवर वीडियो यू नो अवर कॉन्टेंट, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी यू नो दिस इज़ अ सीरीज़ वेयर वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम वेरी यू नो बिगिनिंग, लाइक वेरी इनिशियल फेज, एंड देन वी आर गोइंग टू मूव इन टू सम इंटरमीडिएट टॉपिक्स एंड देन एडवांस लेवल टॉपिक्स। सो आने वाले टाइम में बहुत कुछ आने वाला है इस प्लेलिस्ट में, यस, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को। थैंक सी यू, यू, सी यू इन द नेक्स्ट थैंक्स वीडियो, फॉर वॉचिंग। थैंक्स यू, बाय।